हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जैसे कि मैंने 5 प्रैक्टिस सेट पहले आप सभी को करा चुकी हूँ नवोदय NVS PGT को लेकर, तो अब जो मैं ये सेट ला रही हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा आपका। बिल्कुल जहाँ से अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है हमारा फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का जो PGT हुआ है, स्टेट PGD राजस्थान, बिल्कुल जो मैंने प्रीवियस कराए हैं उसमें से डिक्टो क्वेश्चंस आए हैं। दैट इज़ वाई मैंने सोचा पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं NVS PGT के वो हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आपको देखना है क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, उनकी जो डीपनेस है, क्योंकि कभी कभी हम इतना पढ़ लेते हैं हमको लगता है पता नहीं कहाँ से आएगा और ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं, तो सरफेस से क्वेश्चन आ रहा है कितना डीप से आ रहा है। और इस सेक्शन में आपको आज जो ये लेसन है इसमें आपको शेक्सपियर के बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे। शुरू करते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन आज से। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया है शेक्सपियर का और हम पढ़ लेते हैं उनके सारे 37 प्लेस पढ़ लिए, उनके कैरेक्टर पढ़ लिए एंड ऑल दैट, वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मिलेंगे क्वेश्चन, पर ये बहुत न्यू क्वेश्चन लगा मुझे। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ द यूनिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ। अब देखिए वायलेशन ऑफ यूनिटीज़ क्या है, वायलेशन मीन्स होता है उल्लंघन, इन्होंने उल्लंघन किया यूनिटीज़ का, मतलब कि 3 यूनिटीज़ बताई गई हैं ड्रामा लिखने की। शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा है तो 3 यूनिटीज़ होती हैं ड्रामा लिखने की जो शेक्सपियर ने फॉलो नहीं की एक्चुअली। यस, तो पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं, अ रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो टाइम प्लेस एक्शन जो 3 यूनिटीज़ होती हैं ड्रामा लिखने की, इन्होंने शेक्सपियर ने उनको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो डॉक्टर जॉनसन ने उनको इसलिए उसमें उनको डिफेंस किया था, इनका पक्ष लिया था कि ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है ड्रामा लिखने का, इन्होंने जो लिखा वो भी अच्छा ही लिखा है ऐसे। तो किस ग्राउंड पे इन्होंने उनको डिफेंड किया था, वो था द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट। अब जब रीडर समझ रहा है जो शेक्सपियर ने लिखा है तो समझ रहा है, इट्स ओके। अच्छा, 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा से क्वेश्चन बहुत आता है, वो है टाइम प्लेस और एक्शन। ड्रामा में 3 यूनिटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, टाइम प्लेस एंड एक्शन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूचीक आर फेमस कैरेक्टर इन विच वर्क ऑफ शेक्सपियर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 12th Night। 12th Night के कैरेक्टर हैं सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू एग्यूचीक। ओके, व्हाट यू विल इज द अनदर टाइटल ऑफ 12th Night। 12th Night जो वर्क है शेक्सपियर का, इसका एक और टाइटल है व्हाट यू विल। ये सभी लोग याद कर लें, यहीं आता है इससे क्वेश्चन व्हाट यू विल, और ये देखिए आ चुका है क्वेश्चन 2014। सो 12th Night इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी जो वर्क लिखे हैं शेक्सपियर के, एज यू लाइक इट, मेजर्स फॉर मेजर, मिडसमर नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय। सो द करेक्ट आंसर इज शेक्सपियर। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है, इजी क्वेश्चन है, देखिए कहाँ कहाँ कितनी बार आया हुआ है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ, वीनस एंड एडोनिस, तो इसमें जो वीनस होती है वो गॉडेस ऑफ लव होती हैं जिसपे इन्होंने पोएम लिखी है। पब्लिश हुई थी ये पोएम 1593 में पब्लिश हुई थी, देखिए 1593 में, बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। अब ये हैमलेट जो है शेक्सपियर का वर्क है, ट्रेजेडी है, सभी जानते हैं टू बी और नॉट टू बी इज द क्वोट्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ड्रामा, ये क्वोटेशन इस ड्रामा में है, तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग पूछ लिया है, टू लिव और टू डाई, ये है टू बी हो या ना हो, यानी जिए या मरे, टू बी और नॉट टू बी का मीनिंग टू लिव और टू डाई। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी रोमांस क्या है ये भी हमें शेक्सपियर का स्पेशल देखना होता है। फिर से बता दूं, ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स की अगर आप 10 ईयर्स के बैक क्वेश्चन लगा लेते हैं आपके आधे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अगर आपको पता है तो बिल्कुल लगाइए, जब डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है कि क्या आना है। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, क्या फॉर्म होती है शेक्सपियर के सोनेट की, शेक्सपीरियन सोनेट जिसको हम कहते हैं। देखिए इसमें 3 क्वार्टर्स एंड 1 कपलेट होता है, क्वार्टर्स मीन्स होता है 4 लाइन का स्टैंजा एंड कपलेट 2 लाइन, तो 4 लाइन के ऐसे ऐसे 3 हो जाते हैं, दैट मीन्स 12 लाइन हो गई एंड 2 ये तो हो गई टोटल 14 लाइन, तो सोनेट हमारा 14 लाइन का होता है, तो ये याद रखिएगा 3 क्वेट्रन एंड अ कपलेट, इट इज़ शेक्सपियरियन सोनेट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी इज रिटन बाय, जैसे कि मैंने आपको कहा आज यूनिक क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये वर्क है शेक्सपियरिया, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी, शेक्सपियर एक ट्रेजेडी है, आई डोंट नो इसमें एन क्यों लगा है, तो ये
किसने लिखा है? सो द करेक्ट आंसर इज ए सी ब्रैडले. इनका फुल नेम है एंड्रयू सेसिल ब्रैडले. और इनका लाइफ स्पैन थोड़ा देख लेते हैं, ये कितने नए हैं उस समय के, किसके समय के. तो इनका लाइफ स्पैन है 1851 टू 1935. याद कर ले तो ठीक है, नहीं तो बस बताने के लिए कि ये इस दौरान के व्यक्ति थे. इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर ये वर्क लिखा था, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी. और स्पेशली ये शेक्सपियर के ऊपर उनके वर्क पे लिखते थे, उसके लिए फेमस थे ए सी ब्रैडले. 1904 में ये वर्क पब्लिश हुआ था, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी. शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर. शेक्सपियर के किस वर्क में हमको शाइलॉक मिलेगा? सो द करेक्ट आंसर इज मर्चेंट ऑफ वेनिस. मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ कॉमेडी बाय शेक्सपियर. अगेन जनर मैं ज़रूर बता रही हूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है. बाकी ये चारों वर्क भी शेक्सपियर के हैं, ये भी देखते चले. एक बात बता दो, इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, इंटरव्यू जो फेस हम करते हैं उसमें आपको शेक्सपियर के सारे ड्रामास के नेम आने चाहिए. एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा वहाँ से आपको. और जिनको लगता है इंटरव्यू की हेल्प चाहिए वो मुझे अलग से कॉन्टेक्ट करें, मैं उनकी बताऊंगी उनको क्या क्या टिप्स होते हैं इंटरव्यू के लिए. बिल्कुल कीवर्ड रामबाण. तो चलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें हमको शाइलॉक मिलते हैं. तो ये एक मनी लेंडर होते हैं, पैसे उधार देने वाले. और मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू. इनमें से एक ऑड हमको छांट लेना है. भाई इवन ऑड होता है ना, भाई एक अलग छांट लो, तीन कलर के नाम, एक सब्जी का नाम. तो टेम्पेस्ट है हमारा अलग, क्योंकि टेम्पेस्ट एक ट्रेजी कॉमेडी कह लो या रोमांटिक कॉमेडी है. बाकी चारों के बाकी तीनों ट्रेजेडी है. ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, ये क्या है? ट्रेजेडी है. और टेम्पेस्ट हमारा कॉमेडी में आ जाता है, ट्रेजी कॉमेडी. कॉमेडी यानी सुखद अंत, ट्रेजेडी यानी दुखद अंत. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट जो वर्क है दैट इज़ ट्रेजी कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी, उसमें ये एक आइडियल आता है कॉमनवेल्थ का, कौन वो डिस्क्राइब करता है. सो द करेक्ट आंसर इज गोंज़ेलो. ये इसमें एक कैरेक्टर है, तो ये कॉमनवेल्थ को यही डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से. शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज वॉट. एंटनी क्लियोपेट्रा क्या है? दैट इज़ अ रोमन प्ले. देखिए रोमन प्ले में जो इन्होंने लिखे थे, एक कुछ ऐसे प्लेस थे जो हिस्टोरिक पे वेस थे, है ना, जो राज मतलब कहानियाँ होती हैं एक हिस्टोरिकल वे में, उस पे वेस. तो रोमन प्ले उनको कहते हैं जिसमें से एंटनी क्लियोपेट्रा भी है और भी हैं, जूलियस सीजर है, टाइटस एंड्रोनिकस है, कोरियोलेनस है. तो ये इनके रोमन प्ले भी जाने जाते हैं. आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रोमन प्ले बताइए, जैसा एक एग्जाम्पल, तो वो तीन भी मैंने बता दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज वॉट. द बिल्कुल सिंपल सरफेस का क्वेश्चन है, जनर पूछ रहे हैं. तो क्या है टेम्पेस्ट? करेक्ट आंसर इज, देखिए इसमें ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी. करेक्ट आंसर इज सी, ट्रेजी कॉमेडी. ठीक है, ट्रेजी कॉमेडी पे लगाना है या फिर रोमांटिक कॉमेडी पे, केवल ट्रेजेडी या केवल कॉमेडी द टेम्पेस्ट नहीं है. ओके, व्हाट यू विल, किसका दूसरा नाम है? ट्वेल्थ नाइट का, याद कर लेते हैं यही. हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर. हैमलेट जो वर्क है बाय शेक्सपियर, इसको एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया. मतलब आर्ट तो है उसमें, आर्टिस्टिक है, बट फिर भी वो फेलियर है. सो द करेक्ट आंसर इज टी एस एलियट. थॉमस स्टोन एलियट ने ऐसा बोला था. और इन्होंने ऐसा भी बताया है कि हैमलेट इज़ द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर. जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, सब इंटरेस्ट रखते हैं, बट उसमें ऐसा कहते हैं कि क्या है, नॉट वर्क ऑफ आर्ट. ऐसा इनका है, बाय अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. ओके, टी एस एलियट ने हैमलेट को एक बताया था एज अ हैमलेट इज़ अ मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ऑल इंटरेस्टिंग बट नॉट वर्क ऑफ आर्ट एक्चुअली. तो आर्टिस्टिक फेलियर बोल दें या मोनालिसा करके आ जाए, तो आप देख लीजिए टी एस एलियट ने ऐसा कहा था फॉर हैमलेट. द एसेंशियल शेक्सपियर. अब आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ले दे के हम लोग शेक्सपियर की बायोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं. जो लिटरेचर में घुसते हैं तो शेक्सपियर ही गेटवे ऑफ लिटरेचर है. पढ़ते शुरू करते हैं, है ना, तो हम लोग सारे राइटर्स उसके सारे प्ले देख लेते हैं उनके, सॉरी, और उनके कंटेंट करेक्टर पढ़ते पढ़ते जब हम पूरा निचोड़ लेते हैं शेक्सपियर को, तब भी ऐसे क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं. तो देखो पूछा इन्हीं से गया है कि उनके ऊपर ए सी ब्रैडले ने लिखा ऐसे, उनके बारे में टी एस एलियट ने क्या बोला.
ये जो वर्क है द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय जे डॉवर विल्सन, ये इनके लिए एक बुक लिखी थी द एसेंशियल शेक्सपियर। ये बुक किसने लिखी थी? जे डॉवर विल्सन। डॉवर विल्सन का लाइफ स्पैन भी देखिए 1881 के टाइम के हैं, ये 1969 के टाइम के, और इन्होंने ये बुक लिखी थी द एसेंशियल शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ, जब इन्होंने हिस्ट्री प्ले लिख के हिस्टोरिकल प्ले, तो वो जो भी उसमें साल बताएगी ना कब से कब तक उसमें राजा रहे ये सब, तो इसका टाइम पूछा गया 350 ईयर्स टाइप का इन्होंने दिखाया है पीरियड उसमें 350 साल का करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल शेक्सपियर एन अप स्टार्ट क्रो। अप स्टार्ट क्रो मतलब ये क्रो है, क्रोव नहीं है, ई नहीं है लास्ट में, अप स्टार्ट क्रो। तो ये इसका इजी है, ये करेक्ट आंसर इसका रॉबर्ट ग्रीन है। रॉबर्ट ग्रीन इंग्लिश ऑथर, इन्हीं के समकालीन थे शेक्सपियर के। इनका लाइफ स्पैन था 1558 से 1592। और एक्चुअली जब ये अच्छे सेट थे, जब शेक्सपियर नए नए थे लिटरेचर में उस समय, तो जब इन्होंने शेक्सपियर ने अपना वर्क शुरू किया था, तो इन्होंने उनको एक बताया था, देखो एक नया कोई अप स्टार्ट, जो नए नए एंट्री होती है उनका मजाक उड़ाने के वे में उनको ऐसा बोला था कि नया कोई आके काव काव कर रहा है अब, ऐसे समझ सकते ना आप स्टार्ट करो। तो ये इसका फिर बाद में काफ़ी बना था, शेक्सपियर ने अच्छे से उनको आंसर दिया था अपने वर्क से, दैट इज़ रॉबर्ट ग्रीन। ये कॉमन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। रॉबर्ट ग्रीन ने इनको आप स्टार्ट करो कहा था। सो स्टूडेंट्स, आज में इतने ही क्वेश्चन, और अब ऐसे ही बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। मैं पूरा अपना एनालिटिक्स देखती हूँ, उसमें मुझे दिखता है कि 70% अनसब्सक्राइब लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, तो वेरी वेड ना, मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो आप लोग शेयर करें, कमेंट्स करें, कुछ आपको हेल्प चाहिए अलग से, कुछ स्टडी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपको चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं। और ये अब नवोदय का जो NVS PGT के एग्ज़ाम तक ये कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।